सतो मां सदमयो ज्योतिर्गमय मृत्यो ओम शांति तर्क संग्रह कक्षा चौबीस तो, अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव से निकर्ष उपयोग होता है घटाभाव बद भूतलम चक्षु संयुक्त भूतल में घटा भाव विशेषण बन जाता है लेकिन जब यूं कहें कि भूतले घटो नास्ती तो घटाभाव घटो नास्ती जब कहते हैं तो भूतल विशेषण हो जाता है और घटा घटो नास्ती घट जो है वो विशेष होता है यहाँ पर कुछ लिखा है इन्होंने व्याख्याकार करने ग, भूतले घटा भाव वर्तते भूतल में घट का अभाव है अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष भूतले घटा भाव वर्तते या भूतले घटो नास्ती एक ही बात है और घटा भाववत भूतलम दो तरह से एक बात को कहते हैं घटा भाववत भूतलम में भूतल विशेष घटा भाववत ये विशेषण है तो विशेषण भाव संकर्ष विशेषणता भी कह सकते हैं इसको विशेषण भाव मन विशेषणता विशेष्य भाव मन विशेष्यता जो हम कहते हैं घटा भाववत भूतलम तो विशेषण भाव से निकर्ष है से और इस भूतल में घट नहीं है इस वाक्य में विशेष भाव से निकर्ष है जब भावत भूतलम तो घटा भाव विशेषण भूतल विशेष और भूतले घटो नास्ती तो भूतल विशेषण घटा भाव विशेष घटो नास्ती और घटा भाव तो एक ही चीज है भूतले घटा भाव सप्तम्यंत विशेषण हो गया घटा भाव है ये विशेष हो गया तो यहां पर द्रव्य ग्राहक तीन इंद्रियां होती हैं चक्षु त्वक और मन प्रथम दो बाह्य द्रव्य ग्राहक हैं और मन आंतरद्रव्य का आंतरद्रव्य आत्मा का ग्राहक है ऐसे मानते हैं तो दो बाह्य द्रव्य के ग्राहक क्या चक्षुर्वक समवाय नित्य संबंध है तो समवाय व्यापार नहीं बन सकता क्योंकि व्यापार का लक्षण जन्यत्व है समवाय एक है। नित्य संबंध को मानते हैं संयोग संबंध तो अनित्य है पर समवाय नित्य है समवाय व्यापार नहीं बन सकता व्यापार का लक्षण जन्यत्व में घटित होने से जो समवाय नहीं है तो फिर शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा व्यापार होता है तो ऐसा प्रश्न बनेगा तो तो कहना होगा स्रोत्र और मन का संयोग रूप सन्निकर्ष है मन और श्रोत्र का तो प्रथम सन्निकर्ष को और छठे सन्निकर्ष को छोड़कर संयुक्त संवाय संयुक्त संवेद संवाय तो इसका समाधान क्या होगा इंद्रिया निकट से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है ये बात पहले बताई जा चुकी उसका क्रम यह है कि पहले आत्मा मन के साथ आत्म संयुक्त मन इंद्रिय के साथ मन संयुक्त इंद्रिय वस्तु के साथ तो प्रत्यक्ष होता है तो इस तरह सबका केंद्र स्थान आत्मा है समस्त प्रमाणों से दुआ कि आत्मा में ही ज्ञान उत्पन्न होता है घृण रसन चक्षु त्वक स्रोत्र ये इंद्रिय बाह्य प्रत्यक्ष के कारण है और मन स्वतंत्र द्रव्य और वह इंद्रिय भी दोनों एक साथ है स्वतंत्र द्रव्य और इंद्रिय भी है तो मन से आंतर प्रत्यक्ष होता है और आंतर प्रत्यक्ष आंतर द्रव्य है आत्मा आत्मा का प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है वो एक सूत्र है वैसे सिक्का आत्मनस संयोग विशेषा आत्म्रत्यक्ष आत्मनस संयोग विशेषा आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्ष होता है एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष तत्कर्ण इंद्रियम तस्माइंद्रियम प्रत्यक्ष सिद्धम् सन्निकर्ष सं से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है सन्निकर्ष कौन कौन से हैं आत्मन घृण गंध एक ये वाला सन्निकर्ष आत्मा सभी के साथ है मन भी सभी के साथ है और बाकी बदलते रहते हैं जैसे आत्म मन घ्राण इंद्रिय और गंध रसना इंद्रिय और रस चक्षु इंद्रिय रूप त्वग तो इंद्रिय इंद्रिय शब्द और बुद्धि सुखादि मन ज्ञान और सुखादि ज्ञान का और सुखादि का प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष तो ज्ञान के करण और कारण और असाधारण कारण इंद्रिय है असाधारण कारण भी कह सकते हैं ज्ञान के कारण भी कह सकते हैं तो इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है असाधारण कारण इंद्रियम प्रत्यक्ष ज्ञान करणम असाधारण कारण होने से इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण का उपसंगार कर दिया अब अनुमान परिच्छेद चल रहा है अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं असाधारण कारण करण मानी असाधारण कारण जहां भी करण शब्द आए जैसे प्रत्यक्ष में भी कहा ना तत्कर्णम इंद्रियम सन्निकम ज्ञानम प्रत्यक्ष तत्कर्णम इंद्रियम कर्ण मानी प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है ज्ञान का जो करण है प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है मानी असाधारण कारण है उसको इंद्रिय कहते हैं इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम अनुमिति करणम अनुमिति के करण असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं अनुमान का लक्षण क्या है अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं यथार्थ ज्ञान का दूसरा भेद अनुमिति और उसका असाधारण कारण अनुमान ही करण है यथार्थ ज्ञान का जो भेद है वो एक अनुमिति है और उसका असाधारण कारण अनुमान ही करण है अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं अनुमान करण है और उससे उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है प्रत्यक्ष में करण भी वही है ज्ञान भी वही है जैसे प्रत्यक्ष करण है प्रत्यक्ष ही ज्ञान है लेकिन यहाँ भेद हो जाता है अनुमान अनुमिति करण वही असाधकतम या असाधारण कारण अनुमिति रूप जो ज्ञान उसका कारण साधकतम कारण या असाधारण कारण वो अनुमान रूप प्रमाण है क्या है वो अनुमान प्रमाण लिंग परामर्श जैसे वहाँ पर इंद्रिय प्रमाण है प्रत्यक्ष विषय में इंद्रिय प्रमाण है तो अनुमान विषय में लिंग परामर्श प्रमाण है लिंग जो लिंग परामर्श क्या होगा ये सब इसको आगे बताएंगे लिंग क्या है परामर्श क्या है मोटे रूप से एक बात कहेंगे कि लिंग परामर्श अनुमान है अनुमान मतलब ज्ञान का अनुमिति ज्ञान का करण करणम अनुमानम ऐसे ही कह दें तब तो कोई भी करण जैसे काटने में उलाड़ा करण होता है वो भी अनुमान हो जाएगा अनुमान का लक्षण कुल्हाड़े में भी जाने लगे तो अनुमिति शब्द का होना आवश्यक है केवल करण अनुमान नहीं है अनुमिति रूप प्रमा का करण ही अनुमान है और यूं कह दें मिति कर्णम अनुमानम मिति का करण अनुमान है प्रत्यक्ष मिति ज्ञान ही है मिति मानी प्रमिति प्रत्यक्ष मिति मानी ज्ञान और अनुमिति मानी उसका एक दूसरा भेद है प्रत्यक्ष में भी अनुमान का लक्षण चला जाएगा तो मिति करणम अनुमानम केवल मिति कार्य ज्ञान अनुशब्द के योग से ज्ञान का द्वितीय भेद गृहित होगा प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति रोकने के लिए अनुशब्द को जोड़ना आवश्यक है जो यथार्थ ज्ञान का अनुमिति रूप भेद है उसका साधकतम असाधारण कारण अनुमान प्रमाण है परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा करते हैं तुलना करते हुए चलोगे ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति तो जिसका करण अनुमान है जिसका करण अनुमान है अनुमिति का क्या लक्षण है तो कहते हैं परामर्श अनुमिति का लक्षण क्या है तो कहते हैं परामर्श परामर्श जन्य ज्ञान परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं अनुमीयते इति अनुमिति प्रत्... अनुमानी प्रत्यक्ष के बाद ज्ञान होता है तो वो अनुमिति कहलाती है अनुपश्चात मीयते अनुपसर पूर्वक मीयता धातु से तीन प्रत्यय अनुमिति लुट करेंगे तो अनुमान अनुमिति कर्म में तीन प्रत्यय अनुमिति पश्चात मीयत इति अनुमिति और अनुमान में अनुमियत अनेनिति अनुमिति कर्ण में लुटे परामर्श से होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं परामर्श जन्य ज्ञान ही अनुमिति है परामर्श जन्य ज्ञान ही अनुमिति है यदि ज्ञानम अनुमिति ज्ञान को अनुमिति तो परामर्श जन्यम को ज्ञानम अनुमिति इतना रखेंगे तो परामर्श जन्यम को न रखने से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान में अनुमिति का लक्षण जाएगा क्योंकि ज्ञान तो अनुमान अनुमिति भी ज्ञान है तो परामर्श परामर्श जन्यम अनुमिति परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं अब परामर्श क्या होता है इतना तो कह दिया कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श क्या होता है तो वो आगे बताएंगे इन्होंने तर्क संग्रह दीपिका में भी लिखा है बहुत सारा नु संशयोत्तर प्रत्यक्षे व्याप्ति। से के बाद जो प्रत्यक्ष है उसमें अतिव्याप्ति व्याप्ति स्थाणु पुरुष व्याप्य करादिमान अयम परामर्शे सती पुरुष प्रत्यक्ष जननाथ प्रश्न कर रहे हैं कि संशय के बाद जो प्रत्यक्ष हो उसमें अति व्याप्ति जाएगी अनुमिति की स्थाणु है या पुरुष है इस तरह का जब संशय होता है तो पुरुषत्व व्याप्य करादिमान एयम पुरुषत्व से व्याप्य करादिमान पुरुषत्व व्याप्य कहेंगे तो पुरुषत्व व्यापक होगा जहां जहां करादी होता है जैसे ही व्याप्य होता है ना तो उसको समझने के लिए जहां जहां व्याप्य के साथ जोड़ देंगे और पुरुषत्व व्याप्य लिख रहे हैं तो पुरुषत्व व्यापक है जैसे वन्नी व्याप्य धूम तो वन्नी व्यापक है हम यूँ कहेंगे वन्नी व्याप्यो धूमा तो व्याप्य शब्द से पहले जो शब्द लिखा जाता है वो व्यापक होता है तो समझ सकते हैं वन्य व्याप्यो धूमा वन्नी व्यापक है बन्नी का व्याप्त धूम है तो इसको ऐसे बोलेंगे ना बन्नी व्याप्त धूम है तो जहां जहाँ धूम है वहां शब्द से हमेशा व्याप्य को कहते हैं ये नियम है तत् व्यापक को यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी है यद धूमवान तद बन्नी यत जिसके साथ जोड़ेंगे वो व्याप्य तत् जिसके साथ जोड़ेंगे वो व्यापक वन्नी व्याप्यो धूमा यत्र धूमा तत्र वन्नी ये भी बोल सकते हो यत बोलो यत्र बोलो यत यत बोलो तीनों शब्द बोल देते हैं यत्र यत्र धूमा या यत्र धूमा यह धूमवान स स वन्नीमान ऐसे बोलेंगे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी यह बोलेंगे तो सह यह धूमान स वन्नीमान यत्र यत्र तटर तटर वन्नी। धूमा तत्र तत्र बन्नी धूमवान धूमा यह धूमवान यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी यह धूमान स अग्निमान वन्नीमान केवल शोर्ट में इतना ही बोल सकते हैं यह धूमवान स वन्नीमान तो ये जब हम ऐसा बोलते हैं कि पुरुष व्याप्य करादिमान अयम पुरुष व्याप्य जो करादिमान है मानी यत्र यत्र करादिमत्व जहां जहां करादिमत्व है वहाँ माँ जहां जहा करादिमत्व है वहाँ मां क्या है पुरुषत्व है हाथ पैर जहाँ ये दिखाई देते हैं पुरुषत्व्याप्यकमान इस परामर्श में पुरुष प्रत्यक्ष जननाथ इति रच्यम उसमें अनुमिति ही है ऐसा नहीं कह सकते पुरुषम साक्षात करोमी अनुव्यवसाय विरोधा चेत न पुरुष को मैं साक्षात कर रहा हूं इस अनु व्यवसाय के विरोध होने से पक्षता सहकृत परामर्श जन्यत्व विवक्षित पक्ष में रहने वाले धर्म को पक्षता कहते हैं पक्षता के साथ परामर्श जन्य विवक्षित्व विरह सहकृत सिद्ध पक्षता साध्य सिद्धिर अनुमिति प्रतिबंध का सिद्धत्व सिद्धि सत्वे भी अनुमिति दर्शनात् पक्षता की परिभाषा कर दी सा विरह साधन करने की इच्छा से रहित जो युग सहकृत सिद्धि अभाव पता किस भाषा का प्रयोग कर दिया सीषाद से रहित विरह साधन करने की इच्छा से रहित जो विरह सहकृत के त्याग से के सहित सहकृत और सहित तो एक सिद्धि अभाव है के त्याग के सहित जो सिद्धि का अभाव है उसको पक्षता कहेंगे साध्य सिद्धि प्रतिबंध का सिद्धि सत् भी अनुमेनुयामी छाया उत्तेजिका उत्तेजिषा उत्प्रेरक भाव ततचिभाविष्ट मणिअव से दाहकार सिद्ध्य भावस्या अनुमति कारणत्व नव्य भाषा का प्रयोग कर दिया जिसका करण अनुमान है ऐसी उस अनुमिति का क्या लक्षण है इस जहाँ पर कहते हैं परम परामर्श लक्षण है तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति अब कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता पक्ष में होने वाले धर्म का ज्ञान पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं व्याप्ति से विशिष्ट यथा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वता ज्ञानम परामर्श है ये ज्ञान परामर्श है व्याप्ति विशिष्ट वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता या धूमवान सवन्नीमान वन्नी व्याप्य वहनी का व्याप्य जो धूमवान है वन्नी व्यापक है और वन्नी का व्याप्य धूमवान एम पर्वत है ये ज्ञान परामर्श है तजनम पर्वतो वन्नीमान और इस परामर्श से ये बात निकलती है कि पर्वतो वन्नीमान, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत वन्नी का व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है ये ज्ञान परामर्श है और इस परामर्श से जन्य क्या होगा वन्नी व्याप्य धूमवान एवं पर्वत वन्नी का व्याप्य ये पर्वत धुआं वाला है इससे क्या बात निकलेगी इस परामर्श से ये बात निकलेगी पर्वत वन्नीमान है तो यही ज्ञान अनुमिति है परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहा है परामर्श जन्य ज्ञान अब जिस होती है कि वह परामर्श किया है तो परामर्श का लक्षण है व्याप्ति व्याप्ति से विशिष्ट व्याप्ति से युक्त मानी व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसे परामर्श कहते हैं पर्वत में विद्यमान धूम से अग्नि की सिद्धि करनी है तो पक्ष है पर्वत उसमें धूम आदि की वृत्ति का ज्ञान इसी को पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं धूम आदि की वृत्ति का ज्ञान मानी धूम आदि की वर्तमानता का ज्ञान धूम आदि के होने का ज्ञान वृत्ति यहां पर वृत्ति जब बोलते हैं न्याय दर्शन में तो रहने वाला होने वाला धूम आदि के होने का ज्ञान इसी को पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं वह यदि व्याप्ति से युक्त हो तो उसे परामर्श कहते हैं वन्नी व्याप्य वहनी अग्नि वन्नी का व्याप्य जो धूम उस धूम वाला ये पर्वत है वहनी का व्याप्य ऐसे सृष्टि समास करके दिखा गया तो उस धूम वाला ये पर्वत है इस प्रकार का ज्ञान ही परामर्श है पराम, परामर्श का सुख बताने के बाद अवमिति को दिखाते हैं तत्जन्यम परामर्श ज्ञान से जन्य पर्वत अग्नि वाला है पर्वतोविमान अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति का ज्ञान करण होता है और परामर्श व्यापार तथा अनुमिति उसका फल ये तीन बातें बता दी अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति का ज्ञान करण एक और परामर्श व्यापार होता है अनुमिति उसका फल होता है जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में करण व्यापार और फल को यदि देखें तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष करण होता है इंद्रिय इंद्रियां करण होती हैं ऐसे भूलना पड़ेगा और इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष व्यापार होता है और प्रत्यक्ष फल है इंद्रियाकरण इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष व्यापार और प्रत्यक्ष फल अनुमिति में क्या देखेंगे व्याप्ति ज्ञान करण और परामर्श व्यापार परामर्श वो व्यापार व्याप्ति ज्ञान परामर्श और अनुमिति फल तो परामर्श को व्यापार बताया परामर्श क्या है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ये परामर्श है पारिभाषिक बना दिया है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान है उसी को कहेंगे परामर्श व्याप्ति विषय कम यद पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है व्याप्ति विषय पक्ष धर्मता ज्ञान पक्ष में रहने वाले हेतु का ज्ञान पक्ष मानी साध्य का अधिकरण यह सरल है पक्ष साध्य का जो अधिकरण है उसको पक्ष कहते हैं संदिग्ध साध्य का अधिकरण निश्चित साध्य का जो अधिकरण है वो सपक्ष होता है साध्या भाव का अधिकरण विपक्ष होता है वन्नी व्याप्य को व्याख्या ऐसे भी किया है वन्नेर व्याप्या इन्होंने किया वन्नी निरूपित व्याप्त आश्रय यो धूमा से निरूपित जो व्याप्ति है उसका आश्रय धूम है वन्नी निरूपित व्याप्ति का आश्रय तादृश धूमा ने पर्वत इित्कार कम यज्ञान से परामर्श परामर्श से आकार है यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि नियमो व्याप्ति व्याप्ति क्या है नियम। साध, साधन और साध्य का साधन मानी हेतु लिंग कहो साधन कहो हेतु कहो एक ही बात है यत्र यत्र धूम तत्र अग्नि साहचर्य नियमो व्याप्ति साहचर्य समान अधिकरण को कहते हैं अर्थात वन्नी के अधिकरण में धूम का रहना ही धूम में वन्नी समान अधिकरण कहा जाता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अनुमति परामर्श जन्यम ज्ञान अनुमति साध्यम यस्य अनुमाने निश्चय क्रियामानो वर्तते तत् साध्यम एन कारणे साध्यस्य निश्चय क्रियदे सहित यत्र जे सादृश्यो निश्चय तादृश्यो निश्चय से, से पक्ष ए साध्यन सह विना संबंध विना तश्चय न उत्प्य है पक्षधर्मता व्याप्य पर्वतावृत्तिव पक्षधर्मता व्याप्य का व्याप्य का मान कहना चाहिए साधन साधन का साधन व्याप्य होता है व्याप्य का पर्वतावृत्तिव पक्षधर्मता पर्वत आदि में रहना साधन का पर्वत आदि में रहना यही पक्ष धर्म कामो व्याप्ति व्याप्ति का लक्षण ऐसा बना है यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनी ये व्याप्ति का अभिनय है और साचर्य व्याप्ति ये व्याप्ति का लक्षण है साचरिय नियमो व्याप्ति है, तो लक्षण ये तत्र तीय व्याप्ति का अभिनय दिखाया साहचरिय समान अधिकरण को कहते हैं वन्नी के अधिक अधिकरण में धूम का रहना ये धूम में वन्नी समान अधिकरण आ जाएगा वन्नी के अधिकरण में धूम का रहना धूम में वन्नी समान अधिकरण आना है एक अधिकरण में रहने का भाव ही समान अधिकरण है सहचरती थी सहचर भाव साचर्य व्यापक के साथ जो समान अधिकरण है वही व्याप्ति है व्यापक के साथ व्यापक के साथ साध्य के साथ जो साधन का समान अधिकरण है वही व्याप्ति है अर्थात साचर्य का जो नियम है उसे व्याप्ति कहते हैं अग्नि और धूम का समान अधिकरण है धूम है वहां पर अग्नि है पर्वतो वर्ण्यमान पर्वत अग्नि वाला है तो ये व्याप्य व्यापक की बात थोड़ा और भी इन्होंने तो बहुत लिखा है व्याप्य व्यापक व्याप्ति शांति शांति शांति